भाजपा ने 15 मार्च को विधानसभा घेराव का बिगुल बजाकर अपने चुनावी अभियान को तेजी ला दी है। इसके बाद तमाम ऐसी जो तस्वीरें हैं वो सामने आई, जिससे लगता है कि अब भाजपा पूरे चुनावी मूड में है। जनता का फैसला क्या होगा वो जनता बताएगी, लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस पूरे प्रदर्शन में हुआ क्या था। आग लगी है यार, आग उमेश भाग, गरीबों को आवाज देना होगा, देना होगा, देना होगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बीजेपी हमलावर हो चुकी है। बीजेपी ने अब केंद्र की योजनाओं को संचालित नहीं करने के मुद्दों को हवा देनी शुरू की है। आज हम आपको बताएंगे बीजेपी के एक ऐसे ही आंदोलन के बारे में, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में सियासी पारा गरमाया हुआ है। इस आंदोलन ने चुनाव से पहले ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का काम किया है। आज हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह से आने वाले चुनाव के लिए बीजेपी का यह आंदोलन कारगर साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ में पीएम आवास को लेकर राजनीति चरम पर है। राज्य और केंद्र अपने अपने दावे कर रहा है। बीजेपी ने मोर आवास मोर अधिकार को लेकर विधानसभा का घेराव किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव से लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर और प्रदेश प्रभारी ओम माथुर इस प्रदर्शन में काफी एक्टिव नजर आए। वहीं बीजेपी ने इस प्रदर्शन में उन लोगों को शामिल किया जिन्हें प्रदेश में पीएम आवास अब तक नहीं मिले हैं। शुरुआती कार्यक्रम में बीजेपी ने ऐसे हितग्राहियों के पैर पखारे जो योजना से वंचित हैं। इसके बाद करीब 50,000 की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और हितग्राही विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे, लेकिन रास्ते में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, जिसके कारण प्रदर्शनकारी आगे नहीं जा सके। पुलिस बैरिकेडिंग को देखकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी आक्रोशित हो गए। वहीं कुछ जगहों के बैरिकेडिंग्स को तोड़कर भीड़ जीरो पॉइंट तक जा पहुंची। तभी पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन, आंसू गैस के साथ हल्का बल प्रयोग किया। इस दौरान विधानसभा घेरने जा रहे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारियां दी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए नेताओं को एक बस में बिठाकर प्रदर्शन स्थल से कुछ दूर जाकर छोड़ा। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने अब कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर बम बरसाए, लाठियां भांजी और लोगों को जेल में डाला, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिलाता है। जहां एक ओर बीजेपी लोगों के पैर पखार रही थी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार पुलिस की मदद से अत्याचार कर रही थी। इस तरह के आरोप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने लगाए हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी के इन आरोपों को लेकर कांग्रेस का क्या जवाब आता है। फोर्थ आई न्यूज आपको बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ी हर खबर से करता रहेगा इसी तरह से अपडेट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। कुल मिलाकर इस प्रदर्शन में भाजपा ने अपने जो ताकत है वो दिखाने का प्रयास किया है, और कहीं ना कहीं वो इसमें सफल भी हुए हैं। और ये बताने की कोशिश ज़रूर की गई है कि भाजपा फिलहाल पूरे फॉर्म में है और आने वाले वक्त में वो कांग्रेस को टक्कर देने के लिए तैयार है। आग लगी है यार, आग उमेश भाग, गरीबों को आवाज देना होगा, देना होगा, देना।